देखिए हमारे शास्त्रों में कितना साइंस भरा पड़ा है। अच्छा बताओ, पृथ्वी गोल है कि चपटी है? बताओ, पृथ्वी कैसी है? गोल है। यह बात आपको कब पता चली कि पृथ्वी गोल है? बताओ, 1950 के पहले लोग यही जानते थे कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। और पूरी दुनिया में बाइबल को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, ईसाई ज्यादा है ना, ईसाई पूरी दुनिया में ज्यादा है, तो जो ज्यादा होंगे वही मानेंगे। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, इसलिए पूरी दुनिया ये मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। और 1950 के पहले जब तक सैटेलाइट नहीं छोड़ी गई नासा के द्वारा, तब तक यही जाना गया कि पृथ्वी वास्तविक में चपटी है। पर जब पहली 1950 में, ध्यान दीजिएगा, 1950 में जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई, तो पता चला कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी तो गोल है। अब सुनिएगा, पृथ्वी गोल है ये साइंटिस्टों को भी 1950 के बाद पता चला। और हमारे भागवत में, हमारे ग्रंथ में हजारों साल पहले ये लिख दिया गया है कि पृथ्वी गोल है। भागवत में पंचम स्कंध में एक सब्जेक्ट ही है, भूगोल। हमारे यहाँ एक विषय है भूगोल, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, भूगोल। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा भूगोल, खगोल तो पढ़ा ही होगा। हमारे यहाँ हमारे ग्रंथ कह रहे हैं हजारों साल पहले कि पृथ्वी गोल है, और बाइबल कहती है पृथ्वी चपटी है। तो साइंस जो आज प्रूव करता है, तो याद रखना, साइंस वही प्रूव करता है जो हमारे ग्रंथों में मिलता है। हमारे वेद और पुराण में जो चीज मिलती है, आज साइंस भी उसी को पुष्ट करता है, उसी को, उसी पे मोहर लगाता है अपनी।